तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आया हूँ मैं अपने बगीचे में। ये जो कलर लगाया है मैं, इसको नीला तोता बोलते हैं, ये देखिए। तो गाइज, ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें आपकी मेहंदी फंस जाती है पेड़ में, कई प्रकार के कीड़े भी लगते हैं, और उसके रोकथाम के लिए यह नीला तोता बहुत ही अच्छा है। आप नीले तोते की जगह चूना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद चूना। तो ये जो नीला तोता है, ये इसमें सिर्फ आपको पानी मिलाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी चूने में आपको दो तीन आइटमें और भी मिलानी पड़ेगी। जितना आपका नीला तोते की बाल्टी होगी, उतना ही आपको पानी इसमें ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं इस पेड़ में ये नीला तोता लगाऊंगा। ये देखिए, ऐसे पेड़ देखने में तो अच्छा है, फिर भी लगाना ज़रूरी है। उसके लिए ये देखिए, ये मेरा हथियार है, ये मैंने खुद बनाया हुआ है। इसका काम कुछ नहीं है, इसका काम यही है, जो इसमें चमड़ी चमड़ी होती है, इसको आप आराम से निकाल सकते हैं, इससे इजीली निकाली जाएगी। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये निकालना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि जो आपका पेड़ है, नहीं तो अच्छे ढंग से लगेगा नहीं। ये देखिए, और ख़ासकर ये जो ज्वाइंट है, इस पर यहाँ पर आपने ज़्यादा ध्यान रखना है। इस ज्वाइंट में जो है कीड़े लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक बार कीड़ा लग गया तो पेड़ आपका सूख जाएगा। ये देखिए, इसको मैं एक बार अच्छे ढंग से साफ करूंगा। ज्वाइंट बहुत ज़रूरी है गाइस, ज्वाइंट साफ करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ से कलम लगाई जाती है, ग्राफ्टिंग की जाती है, वो ज्वाइंट साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी मैंने अच्छे ढंग से सफाई कर ली है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए गाइस, आपको पता नहीं नज़र आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए, सफेद कलर का छोटा जैसा कीड़ा इसके अंदर है, आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, शायद आपको नज़र आ गया होगा। यही होता गाइस, यही कीड़ा जो है आपके पेड़ को ख़त्म कर देगा, यहाँ से सड़ जाएगा। ये देखिए, ये जॉइंट है, ये जॉइंट आपको अच्छे ढंग से साफ करना पड़ेगा। इसमें तीन चार कीड़े ऑलरेडी निकल चुके हैं पहले, उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया इसका। ये देखिए, इसको मैं अच्छे ढंग से साफ करूंगा, और इसके बाद इसमें पेंट को अप्लाई करूंगा। ये देखिए, आप ये ऐसा नुकीला हथियार बना दीजिए, इससे आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये देखिए, यहाँ से जहाँ ये कीड़ा लगा था, वहाँ पर सूखने के चांस बन चुके थे इसके, यहाँ देखो। तो ठीक है, मैं लगाता हूँ पेंट। यह है नीला तोता, इसको मैं घर से ही मिक्स करके लाया हूँ। बीच बीच में आपको हिलाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये नीचे से गाढ़ा हो जाएगा। और ऐसे करके आपको लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं लगाता हूँ, लगाने के बाद आपको फिर से दिखाऊंगा एक बार। दोस्तों, ये देखिए, अब ज़रूरी काम से मुझे जाना पड़ रहा है। ये देखिए, गोबर रख दिया है मैंने, ये दो चार पेड़ के 10-12 पेड़ बच गए हैं मेरे पास पेंट करने को। बाकी ये देखिए, ये पेड़ है लगभग आपके 4-5 साल के, कोई 3 साल का भी है, कोई 4 साल का भी है, कोई 5 साल का भी है, ऑलमोस्ट ये सारे 4 साल के हैं। तो इस बार यहाँ पर परसिमन जो निकली है, वो निकली है 8.5 क्विंटल। जी हाँ दोस्तों, 8.5 क्विंटल परसिमन यहाँ निकला है इस बार। तो ठीक है, आज का ब्लॉग इतना ही, तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट अपनी लोकेशन पे। बाकी दोस्तों, एक बात कहना मैं भूल गया आपको, जो भी मेरे भाई जिन्होंने भी नए प्लांट्स लगाए इस बार,
चाहे प्लांट्स मुझसे लिए हो या किसी और से लिए हो, तो आपने जहाँ से वो जॉइंट होता है, जहाँ से ग्राफ्टिंग की होती है, वहाँ पर पक्का पेंट ज़रूर लगाना है। काला पेंट लगाइए, पक्का पेंट, क्योंकि अगर आप वहाँ से पेंट नहीं लगाएंगे तो वहाँ से सूखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कीड़े भी लग सकते हैं। ठीक है जी, वो आपने पक्का लगाना है, पेंट ब्लाइटॉक्स बोलते हैं उसको, उसको पक्का लगाना है जहाँ से जॉइंट है, वो आपने हर साल लगाना है। ठीक है, ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।